Dear students, very good morning to you all. Hope बेटा you all quite fit and fine and doing hard work. आज बेटा हम कहते हैं हमारा जो लेसन है बायोमॉलिक्यूल, इस बायोमॉलिक्यूल के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करवा रहा था दैट वॉज प्रोटीन. अब प्रोटीन को बेस मान करके प्रोटीन के अंदर जो जैसे अमीनो एसिड की मैं बात कर रहा था, तो अमीनो एसिड को आज हम डिफाइन करते हैं. अमीनो एसिड होते क्या हैं, अमीनो एसिड के टाइप्स क्या हैं, अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या बनती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके ऊपर हम वर्क करते हैं. तो लेट अस नो, हमारा जो हेडिंग है दिस वन, वो लिखेंगे बेटा दिस वन प्रोटीन. ठीक है बेटा. अच्छा, प्रोटीन्स के अंदर हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे दैट वॉज अमीनो एसिड. अच्छा, अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड अपने आप में दिस इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ प्रोटीन विच कंसिस्ट बोथ कार्बोक्सिलिक एज वेल एज अमीनो ग्रुप. ध्यान से सुनेंगे बेटे क्या बोला गया कि व्हाट आर अमीनो एसिड. कि भाई अमीनो एसिड कौन होते हैं? अमीनो एसिड्स वो है जो अपने आप में प्रोटीन को तैयार करने की एक बेसिक यूनिट जो है, दिस वन इज कॉल्ड अमीनो एसिड. इस अमीनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, इसके अंदर अमीनो ग्रुप भी होता है. तो लेट अस कि इसके स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करें तो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने कल भी बताया था, आप थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूँ आगे से. जैसे मान लो ये ऐसे करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस वन, ये NH2 आ गया, COOH ग्रुप आ गया, ये H हो गया, ये R हो गया, दिस वन अमीनो ग्रुप. और ये वाला जो पार्ट है दिस वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. इतना ध्यान देंगे बेटा, एक अमीनो ग्रुप आ गया, एक एसिडिक ग्रुप आ गया. ठीक है बेटा, इसको कैटेगराइज किया था एल अमीनो एसिड, या इसको हमने अल्फा बीटा गामा भी बोला था. तो ध्यान देंगे बेटा, आज मैं जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, और अगर यहाँ मैं NH2 ग्रुप को लिख देता हूँ, यहाँ मैंने क्या किया COOH को लिया, यहाँ R ले लिया बेटा, और यहाँ ये H ऐसे लिख दिया. दिस वन अगर NH2 ग्रुप अगर कहाँ पे है, लेफ्ट में है, तो इसे नाम दिया था दिस वन इज कॉल्ड एल अमीनो एसिड, इसे हमने नाम दिया था. ठीक है बेटा, इसके अंदर मैंने कल भी कंसेप्ट आपको दिया था, वही आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ आज, कि ये जो कार्बन है, इसे कार्बन पे अगर मान लो यहाँ हमने क्या कर दिया लाइक दिस वन, यहाँ मैं R ले लेता हूँ, यहाँ H हो गया, यहाँ NH2 आ गया, यहाँ COOH आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा. इस फंक्शनल ग्रुप के बाद आने वाला जो पहले नंबर का कार्बन है, उस पहले नंबर के कार्बन पे अगर मान लो OH ग्रुप की जो पोजीशन है, अगर OH ग्रुप की पोजीशन की अगर मैं बात करूँ और ये NH2 ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, तो NH2 ग्रुप जो है पहले नंबर का फंक्शनल ग्रुप के बाद आने वाला पहले नंबर का जो कार्बन है, इस पहले नंबर के कार्बन पे NH2 ग्रुप अगर आ रहा है, दिस वन इज कॉल्ड अल्फा. दैट्स व्हाई इसे क्या नाम दिया था बेटा, दिस वन अल्फा अमीनो एसिड आपने इसे नाम दिया था. या इसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये कार्बन ले लिया बेटा, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ बेटा मैंने NH2 ले लिया, और यहाँ COOH ग्रुप ले लिया. ठीक है बेटा, इस कंडीशन में इसका नाम है, अगर मैं इसे नाम दूँ, अगर इसका ट्राइवियल नेम अगर मैं आपको दूँ, तो ट्राइवियल नेम अकॉर्डिंग टू द सोर्स, दैट्स वाई दिस वन इज कॉल्ड, इसे नाम देते हैं दिस वन ग्लाइसाइन या ग्लाइसिन इसे बोलते हैं. ठीक है बेटा, या अगर आप इसे नाम दे रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बाद पहला कार्बन, इसे अल्फा बोला,
इसका नाम है जिसमें अल्फा अल्फा वाली पोजीशन पे अमीनो आ गया और अमीनो के पास दो कार्बन हैं, तो इसे लिख देंगे दिस वन एसिटिक एसिड, इसे लिख देंगे क्या लिखेंगे बेटा अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड आपने इसे नाम दे दिया, या इसको एक नाम और दे सकते हैं, मतलब ये पहला कार्बन है ये दूसरा कार्बन है, तो इसे लिखेंगे दिस वन टू वाली पोजिशन पे अमीनो ग्रुप है इसलिए टू अमीनो, और इसे बोल दिया आपने दो कार्बन थे और एसिड था इसलिए इथेनोइक बोल दिया, तो टू अमीनो इथेनोइक इथेनोइक एसिड बेटा आपने इसे नाम दे दिया, क्या बोला आपने टू अमीनो इथेनोइक एसिड, बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, ये कार्बन ले लिया बेटा ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो मैं CH3 को लेता हूँ, ये NH2 अगर आ गया, ये H हो गया और यहाँ COOH अगर ऐसे बना दिया, इन दिस कंडीशन इसे नाम देंगे पहला नंबर का कार्बन, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया ठीक है बेटा, ये अपने आप में ये अभी भी अल्फा है, इसका नाम होगा अल्फा 1 2 3, अल्फा पे क्या है अमीनो, अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, क्या लिखा बेटा अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड आपने इसे नाम दिया, या इसे अगर आप बोलते हैं और दूसरा नाम अगर आप देना चाहते हैं तो टू वाली पोजिशन पे क्या है अमीनो ग्रुप है, तो लिखा बेटा आपने टू अमीनो 1 2 3, और इसे लिख देंगे प्रोपेनिक एसिड, इसे लिख दिया आप ठीक है बेटा, कॉमन में बोलेंगे तो तीन कार्बन वाले को प्रोपियोनिक एसिड बोलेंगे, और अगर मान लो अगर आप अल्फा सिस्टम के हिसाब से बोलते हैं तो प्रोपेनोइक लिख देंगे बेटा, सॉरी लिख देंगे इसे प्रोपेनोइक एसिड, इसे लिख देंगे तो टू अमीनो प्रोपेनोइक एसिड से ये जाना जाएगा, ये हमारे पास क्या है जो अमीनो एसिड हैं उन अमीनो एसिड को कैसे करके आपने डिनोट किया। अगर आर की जगह पे यहाँ आप लिख सकते हैं कि आर बराबर क्या लिया बेटा आपने एच ले लिया, ये आर था ना, इस आर की जगह पे एच लिया तो ग्लाइसाइन बोल दिया, अगर आर की जगह पे आर बराबर आपने क्या ले लिया CH3 लिया, उस कंडीशन में जाकर के आपने इसका नाम क्या बोल दिया टू अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड या टू अमीनो प्रोपेनोइक एसिड हो गया, या इसका नाम जो बनता है ट्राइबल नेम दिस वन LA9, क्या नाम दिया बेटा दिस वन LA9 ठीक है बेटा, आया समझ में, नोट करो बेटे। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे यहां से नेक्स्ट वन कि जितने भी अमीनो एसिड हैं इन अमीनो एसिड को हम कैटेगराइज करते हैं और हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। नाउ अब बेटा हमारे पास जो टॉपिक बना दिस वन क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, जनरली अमीनो एसिड को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, और यहां लिखेंगे आप या इसके टाइप में लिख दूंगा टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले अगर मैं बोलूं इसे बोलेंगे दिस वन न्यूट्रल अमीनो एसिड। नाउ द सेकेंड वन यहां बोलेंगे दिस वन एसिडिक अमीनो एसिड। थर्ड अगर बोलेंगे बेटा सो दिस वन बेसिक अमीनो एसिड। ऐसे करके आपने क्या कर दिया इनको कैटेगराइज कर दिया कि भाई हमारे पास जो अमीनो एसिड्स हैं वो न्यूट्रल भी हैं एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं। सो लेट अस मूव वन बाय वन। सबसे पहले हम लिखते हैं द फर्स्ट वन दिस वन न्यूट्रल अमीनो एसिड। सो व्हाट आर न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन होते हैं
अच्छा न्यूट्रल उस कंडीशन में बोलते हैं जहां इक्वल नंबर में कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया और NH2 ग्रुप इक्वल नंबर में होते हैं। मतलब क्या लिखेंगे, दो अमीनो एसिड इन विच कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज वेल एज अमीनो ग्रुप। जहां पर ये दोनों के दोनों इक्वल नंबर में होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया और अमीनो ग्रुप जहां इक्वल नंबर में होते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो एग्जांपल बना इसमें आ गया दिस वन ग्लाइसाइन, ग्लाइसिन जिसे बोलते हैं, या इसका दूसरा एग्जांपल जो बनता है दिस वन एलेनाइन। क्या लिखा जाता है बेटा, दिस वन ग्लाइसाइन हो गया, दिस वन एलेनाइन। बहुत क्लियरली आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है बेटा। अगर आप इसे ड्रॉ भी करना चाहते हैं तो ड्रॉ करने के लिए यहां मैं बना लेता हूं। यहां पे आपने क्या किया, ये कार्बन हो गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया और ये एन एस टू, दिस वन ग्लाइसाइन। क्या है बेटा, क्या नाम दिया इसको? अच्छा इसे कैसे लिखा जाता है, ग्लाइसाइन, या और करके इसे थ्री लेटर्स के द्वारा जी एल वाई, ग्लाइसाइन को जी एल वाई भी लिख दिया हमने। या अगर आप एलेनाइन की बात करते हैं तो एलेनाइन को हमने क्या किया, ये कार्बन हो गया, ये एच हो गया, ये सी एस थ्री हो गया, ये एन एस टू हो गया और ये सी ओ ओ एच हो गया। आप क्या बोलेंगे, दिस वन इज, इसे नाम देंगे दिस वन एलेनाइन, और एलेनाइन को अब्रिविएट करके कैसे लिखेंगे, ए एल ए, ऐसे भी बेटा इसे लिखा जाता है। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है बेटा। दिस ऑल आर द स्टडी आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर, आई हैव टोल्ड यू कि नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड। जितने भी सारे मैं लिख रहा हूँ ये अल्फा है, जितने भी मैं लिख रहा हूँ ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, अल्फा है। ध्यान देंगे बेटा, ये मैंने लिखा सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड। लेट अस मूव, अब चलते हैं न्यूट्रल के बाद आएगा हमारे पास सेकेंड वन एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड कौन होंगे कि जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसमें एनएच2 ग्रुप क्या होगा, कम होगा। नाउ द सेकंड वन, दूसरा लिखेंगे दिस इज एसिडिक अमीनो एसिड। व्हाट आर एसिडिक अमीनो एसिड, वेयर कंसिस्ट, वेयर कंसिस्ट मोर, वेयर कंसिस्ट मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप देन द अमीनो, देन द अमीनो ग्रुप। जहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, जहां अमीनो ग्रुप क्या होता है, कम होता है, उस कंडीशन में जाकर के क्या बोला जाता है, एसिडिक अमीनो एसिड। भाई कैसे करके, जैसे मान लो इसका एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं, एग्जांपल की अगर बात करें बेटा, इसमें आया बेटा दिस वन एस्पार्टिक एसिड, या दिस वन ग्लूटामिक एसिड, ठीक है बेटा। एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया। अगर हम इसे ड्रॉ करें, यहां सी एच टू एंड सी ओ ओ एच, ये एन एस टू आ गया और ये सी ओ एच ग्रुप आ गया। कितने सी ओ एच ग्रुप हो गए, दो हो गए। That's why this one is called aspartic acid, ठीक है बेटा।
सी ओ एस ग्रुप दो हो गए, एन एस टू ग्रुप एक है, या इसे हम लिखेंगे एसपार्टिक को कैसा लिखेंगे, दिस वन ए एस पी एब्रिविएट करके ए एस पी इसे लिखा जाता है, या ग्लूटामिक एसिड की अगर मैं बात करूं, यहां पे कार्बन आ गया, ये एच आ गया, सी एच टू सी एच टू एन सी ओ ओ एच हो गया, और यहां लिख देंगे बेटा एन एस टू एन सी ओ ओ एच, और ग्लूटामिक एसिड को जी एल ई के द्वारा आपने डिनोट कर दिया। यहां सी एस टू ग्रुप कितने आगे, दो आगे, फिर आपका सी ओ ओ एच ग्रुप आ गया, एंड दिस वन इज ग्लूटामिक एसिड। नोट करो बेटे इसे आप। ठीक है बेटा, अब इसके बाद चलते हैं। नाउ थर्ड वन, तीसरा पार्ट जो बनेगा वो आएगा बेटा हमारे पास। नाउ द थर्ड वन, इसे लिखेंगे बेसिक अमीनो एसिड। जो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं क्या लिखेंगे उसमें, या लिखेंगे बेटा मोर नंबर ऑफ एनएस टू ग्रुप अमीनो ग्रुप देन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। इसके अंदर जो एग्जांपल बनता है लाइक वी हैव, जैसे लाइसाइन हो गया, या हिस्टिडाइन हो गया बेटा, ये इसके अंदर बनता है। लाइसाइन को अगर आप देखेंगे तो ये एच हो गया, ये एन एस टू हो गया, ये सी ओ एच हो गया, यहां लिखेंगे सी एच टू सी एच टू थ्राइस, और ये एन एच टू, दिस वन लाइसाइन एल वाई एस। हिस्टिडाइन की अगर आप बात करते हैं, ये कार्बन हो गया, ये H हो गया, ये NH2 हो गया, ये COOH हो गया, ये CH2 हो गया, यहां इसे बॉन्ड बना देंगे, यहां पे ये N आ गया, इधर NH आ गया, यहां से बॉन्ड ऐसे बनाया, ये बॉन्ड ऐसे बना दिया। ठीक है बेटा, यहां डबल बॉन्ड बनता है और एक डबल बॉन्ड यहां बनेगा लाइक दिस वन। इसे नाम दे बेटा हमने दिस वन स्टिडाइन, एच आई एस के द्वारा आपने इसे क्या किया, डिनोट। नोट करो बेटा। ठीक है बेटा, तो ये बना बेटा हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड। जितने भी अमीनो एसिड थे उनको हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। अब हम लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आ रहा है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये थ्योरेटिकल पार्ट भी बनता है। वी हैव एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वैसे कंपटीशन के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको अमीनो एसिड दे देंगे और पूछेंगे आउट ऑफ दिस विच वन इज एसेंशियल एंड विच वन इज, कोई भी पूछा जा सकता है कि कौन एसेंशियल है कौन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो हम लिखेंगे बेटा नाउ हेडिंग बना के लिखेंगे नाउ एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो अबाउट द टर्म एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है बेटा, व्हाट आर एसेंशियल एंड व्हाट आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, कौन कौन से होते हैं, इनके ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं, लेट अस मूव द फर्स्ट वन, हम चलते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं, एंड दिस वन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन होते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी जो है
20 में से 10 अमीनो एसिड्स को खुद सिंथेसाइज करती है। हमारी बॉडी जो है आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड 10 अमीनो एसिड को खुद सिंथेसाइज करती है, और जो वो 10 अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है उनकी हमें आवश्यकता नहीं है अपनी डाइट में लेने के लिए, बाहर से फूड में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हमारी बॉडी अपने आप क्या कह रही है, सिंथेसाइज कर रही है। दैट्स व्हाई जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है फूड की हेल्प से या फूड के थ्रू लेने की, डाइट के थ्रू लेने की, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, हम लिखेंगे ह्यूमन बॉडी हैविंग tendency to prepare 10 amino acids. So these amino acids are not necessary to take from diet. उसकी हमें जरूरत नहीं है वो जो अमीनो एसिड्स हैं। इनमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बनता है लाइक दिस वन, ग्लाइसिन इसका एग्जाम्पल बनता है बेटा, और एलेनाइन जो है इसी कैटेगरी का है। ये दोनों के दोनों, अगर मैं बोलूँ तो ये दोनों के दोनों अपने आप में बोथ आर द टाइप ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये दोनों के दोनों अपने आप में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के अंदर आते हैं। लेट अस मूव, अगर मान लो सेकंड में अगर आपको बोलो नाउ वी हैव एसेंशियल अमीनो एसिड, सो व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड जिनकी ह्यूमन बॉडी को जरूरत होती है, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, जिसको हम डाइट से लेते हैं। यहां लिखेंगे दोस अमीनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज बाय ह्यूमन बॉडी एंड which are necessary to take from diet, जिनको हम diet से लेते हैं, these are called essential amino acids। इसके अंदर जैसे मान लो बेटा मैं लिखता हूं example, इसके बनते हैं like यहां लिखा valine हो गया, ल्यूसाइन हो गया, आइसोल्यूसाइन हो गया, या आर्जिनाइन हो गया, लाइसाइन हो गया, या हिस्टिडाइन हो गया, ठीक है बेटा, या थ्रियोनाइन हो गया, या मिथियोनाइन हो गया, या फिनाइल एलेनाइन हो गया, या ट्रिप्टोफैन हो गया, जिन्होंने इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 10 थे हमारे पास, दीज ऑल आर द एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है बेटा, अब नोट करो, इसे मैं पानी पी लेता हूं।
हो गया बेटा। अब चलेंगे बेटा। अच्छा एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी कि जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं अगर इनकी कमी हो जाए, अगर इनकी कमी हो जाए तो एक डिसीज होती है जो क्वाशिर कोर के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है बेटा? क्वाशिर कोर। क्या लिखेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ, लिख दो आप लोग, डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड कॉजेज कॉजेज क्वाशिर कोर के नाम से जानी जाती है। ध्यान नहीं है आप? ये डिसीज पैदा होती है इसेंशियल अमीनो एसिड की कमी के कारण। लेट अस मूव। अब हम चलते हैं हमारे पास, मैं लिखूंगा नाउ दिस वन, और यहां लिखेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। जो अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बनती है उसको डिफाइन करते हैं। बहुत मजेदार करता है, ठीक है बेटा। क्या चीज है कि अगर मान लो आप अमीनो एसिड की अगर बात करें तो अमीनो एसिड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आयन बनाने की टेंडेंसी होती है जिसे बोला जाता है ज्वेटर आयन। क्या बोला जाता है बेटा? ज्वेटर आयन। और ये जो ज्वेटर आयन होता है इसके अंदर एसिडिक एंड बेसिक दोनों कैरेक्टर होते हैं। इधर वी कैन से दैट ये अपने आप में कैसा हो जाएगा, अगर एसिडिक कैरेक्टर भी दिखा रहा है बेसिक भी दिखा रहा है तो ये अपने आप में एम्फोटेरिक नेचर का बनेगा। कैसा नेचर होगा इसका? दिस वन एम्फोटेरिक नेचर। क्या बोला बेटा? कि जो अमीनो एसिड है हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन के अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी बनता है बेसिक कैरेक्टर भी बनता है, मतलब ये एसिड के जैसा भी बिहेव कर सकता है और बेस के जैसा भी बिहेव करता है। दैट्स व्हाई ये अपने आप में एम्फोटेरिक नेचर का बनता है। मतलब अगर आप अमीनो एसिड को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन, ये कार्बन आ गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये आर हो गया, ये एनएस टू ग्रुप है बेटा, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ एस, ऐसे करके आपने इसे लिख दिया। चाहो तो इसे भी आप लिख दो। ये बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आपकी समझ में आ जाने चाहिए। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितने की है? थ्री की है, तीन बॉन्ड इसने बना भी दी। अच्छा ध्यान देंगे ये मैंने लिखा अमीनो एसिड। चलो एक बार मैं थोड़ा ऐसे सिखा लेता हूँ, सजा करके बात करेंगे फिर ड्रॉ करूंगा। तो ये मान लो अगर ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन, इसमें नाइट्रोजन आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? सेवन हो गया, टू और फाइव आता बैलेंस इलेक्ट्रॉन, पांच इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पांच बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक दो तीन चौथा नंबर पांचवा नंबर, मतलब ये जो टू इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे बोल देंगे एलपी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे बोलेंगे। क्या बोलते हैं? दिस वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना, अच्छा दूसरा कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रुप है दिस वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कौन सा ग्रुप है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। अच्छा एसिड कौन होते हैं? जनरली हम क्या बोलते हैं कि आरहीनियस एसिड की अगर मैं बात करूं तो हमने बोला कि आरहीनियस एसिड कौन होता है? जो क्या करता है? एक्स्ट्रा साइन को देता है। या हम यहां भी ये बोलेंगे कि अगर मान लो मैं यहां पे ब्रोंस्टेड या लोरी, ब्रोंस्टेड एंड लोरी एसिड की अगर मैं बात कर रहा हूं, वो एसिड कौन है जिसने क्या कर दिया? प्रोटॉन को दिया है, जिसने एच प्लस आयन को दिया, जिसने प्रोटॉन को दिया। ये ग्रुप जो है ये प्रोटॉन को देगा, ये ग्रुप जो है एच प्लस आयन को देगा। मतलब अगर कहीं पे याद रखेंगे, कहीं पे अगर नॉन मेटल के साथ में नॉन मेटल, ठीक है, या यहां लिख देंगे कि नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, अगर नॉन मेटल कहीं पे क्या हो हाइड्रोजन के साथ में हो तो उस कंडीशन के अंदर जो कैरेक्टर बनेगा वो कैरेक्टर कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा।
समझ रहे हैं बेटा? यस एंड नो क्या बोला गया कि नॉन मेटल मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने के कारण एच प्लस एन दे देगा। मान लो कार्बन के साथ में है, मान लो नाइट्रोजन के साथ में है, मान लो हैलोजन के साथ में है, कहीं भी नॉन मेटल के साथ में होगा तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि हैविंग टेंडेंसी टू गिव एच प्लस आयन, एच प्लस आयन के आयन को देने की टेंडेंसी इनके अंदर बनती है। वही कंसेप्ट यहाँ भी है, ये क्या करेगा एच प्लस आयन को देगा। अब जब इसने एच प्लस आयन को दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा? नेगेटिव, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखो आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इससे दे दे तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 7 का मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका इलेक्ट्रॉन कम हो गया इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देंगे जब ये टूटा तो टूटने के बाद क्या हो गया, ये R हो गया, ये C हो गया, ये N हो गया, ये H हो गया, और ये ऐसे करके बना, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये O हो गया, 1, 2 अगर इसके इलेक्ट्रॉन दिखाओ 3, 4, 5, 6 और एक ये बन गया 7, इसलिए इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। यहाँ इसके पास लोन 13 इलेक्ट्रॉन था, अब इसने जो एच प्लस आयन दिया वो एच प्लस आयन इसके पास आ गया। अब जब एच प्लस आयन भाई इसके नजदीक आया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए इसने क्या किया अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा करके इसको दे दिया। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे देगा इसका चार्ज हट जाएगा, ठीक है बेटा, मतलब यहाँ लिखेंगे माइनस एच प्लस आयन और वो यहाँ से इधर आएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। अब जैसे ही इसने क्या किया एच प्लस आयन यहाँ पे आया तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो एच प्लस आयन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। कैसे न्यूट्रल हुआ भाई, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ जो हाइड्रोजन था इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, कौन, ये नाइट्रोजन अपना, तो इसके पास क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसका पॉजिटिव हट जाएगा, ध्यान से सुनिए। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने थे पहले, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के अपने, यहाँ कितने, 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है अपने, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और ये दोनों मिलकर के अब क्या बना देंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ और यहाँ जो इंटर कन्वर्जन है, मतलब यहाँ इसके अंदर क्या बना, यही जो हमारे पास अमीनो एसिड था उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भी बन गया, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी बन गया। या इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, अब देखो आप, अच्छा क्या हो रहा है, ये C हो गया, ये H हो गया, ये R हो गया और ये NH2 एंड दिस वन COOH, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर क्या हो रही है, ये इक्विलिब्रियम के फॉर्म में है, ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आएगा, ये तो सिखा दिया मैंने अभी आपको, ये R हो गया, C हो गया, H हो गया और ये NH2 से चेंज होकर के किस में चला गया, NH3। देखो 1, 2, 3 NH3, तो NH3 और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये आएगा C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, O हो गया इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ये जो आयन मैंने तैयार किया यही बेटा अपने आप में क्या है, दिस वन इज कॉल्ड ज्विटर आयन, यही ज्विटर आयन क्या है बेटा, ये ज्विटर आयन। और यही जो ज्विटर आयन है अब ये एसिड के जैसा बिहेव भी करेगा और बेस के जैसा भी क्या करेगा, बिहेव करेगा। समझ पा रहे हैं बेटा आप, यस एंड नो, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इसे नोट करो बेटा आप। अब चलते हैं बेटा अगला कंसेप्ट आएगा, नाउ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ज्विटर आयन, यहां लिखेंगे एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड by
ज्वेटर आयन, ज्वेटर आयन को बेस मान करके अमीनो एसिड के अंदर जो एसिडिक है और बेसिक कैरेक्टर है उसको हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्या चीज है। सबसे पहले जैसे मान लो हमने क्या किया कि ज्वेटर आयन को लिया और ये ऐसे करके हमने ड्रॉ कर दिया, ये NH3 प्लस आयन हो गया बेटा, CO O नेगेटिव आयन। अगर हम इसे ज्वेटर आयन को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं, कौन सा मीडियम बेटा, एसिडिक मीडियम। अच्छा एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या है कि हम इसके अंदर क्या दे रहे हैं, एस्टर आयन को दे रहे हैं। अब समझेंगे कंसेप्ट को। या ये हमारे पास ज्वेटर आयन और ये NH3 प्लस आयन हो गया बेटा, यहाँ हमारे पास सी डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। याद रखेंगे दिस वन ज्वेटर आयन। इसको भी हमने क्या किया, अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं एक बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं, तो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाने का मतलब क्या देंगे आप, वो नेगेटिव आयन देंगे। इन दैट कंडीशन अब यहाँ और यहाँ समझो आप क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर ये एक्स्ट्रा साइन को देगा तो इतना ग्रुप जो है, ये वाला जो ग्रुप है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, इस प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। और अगर ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा तो ये कैसा बनेगा, आर हो गया, सी हो गया, यहाँ NH3 प्लस आयन हो गया और यहाँ से बनेगा COOH, ऐसे बन जाएगा। मतलब ये प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है और जो प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है मतलब उसके अंदर नेचर कैसा होगा, दैट्स व्हाई ये जो अमीनो एसिड होगा वो अमीनो एसिड कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। किसके जैसा होगा बेटा, बेसिक नेचर। किसके कारण, बेसिक नेचर, और यहाँ लिख देंगे ड्यू टू COO नेगेटिव आयन, इस ग्रुप की प्रेजेंस के कारण जो अमीनो एसिड है वो अमीनो एसिड COO नेगेटिव आयन। याद रखेंगे जो अमीनो एसिड है उसके अंदर कौन सा कैरेक्टर बनता है, बेसिक कैरेक्टर बनता है, बिकॉज हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, ये क्या करता है, एस्ट्रा साइन को एक्सेप्ट करता, प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। बहुत क्लियर है बेटा। यहां अगर देंगे आप इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो रहा है, अब ये NH3 प्लस आयन है, ये क्या करेगा बेटा, प्रोटोन को देगा, प्रोटोन को लॉस करेगा, ये उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ध्यान देंगे यहां पे अब क्या बनेगा, यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं लाइक दिस वन, आर हो गया, सी हो गया, एच हो गया, NH2 हो गया, COO नेगेटिव आयन, ये तो एज यूजुअल रहेगा, लेकिन इसका एक्स्ट्रा साइन यहां से चला गया, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, अगर मान लो ये वाली कंडीशन बनी हुई है, यहाँ ऊपर कार्बन था और ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो फिर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये बाहर चला जाएगा तो एस्ट्रा साइन लेके चला जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो वही तो मैंने किया दिया बेटा, ये NH2 बना दिया, इसका लोन केयर यहाँ दिखा देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये अगर मान लो एस्ट्रा साइन को दे रहा है, ये OH नेगेटिव आयन के साथ में जुड़ेगा तो प्लस करके क्या बाहर निकाल देगा, वाटर को बाहर निकाल देगा। अब जो प्रोटोन को लॉस करते हैं, जो प्रोटोन को देते हैं, एस्ट्रा साइन को देते हैं, वो अपने आप में एसिड होते हैं, इसलिए इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नाव। इसके कारण कौन सा नेचर बन रहा बेटा, नाव हम लिखेंगे एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर बना, एसिडिक नेचर। कैसे करके बना, किसके द्वारा बना, ड्यू टू NH3 प्लस आयन। इस NH3 प्लस आयन के कारण कौन सा नेचर बन रहा बेटा, एसिडिक नेचर इसके अंदर बन रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा हमारे पास अमीनो एसिड का कंसेप्ट है। अब इसे थोड़ा नोट करो, देखते हैं आगे। ठीक है बेटा, तो ये कंसेप्ट हमारे पास बना कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड बाय ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन का कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ज्वेटर आयन के अंदर एसिडिक कैरेक्टर भी बन रहा है, बेसिक कैरेक्टर भी बन रहा है। ठीक है बेटा, इसलिए अपने आप में कैसा हो गया, एम्फोटेरिक नेचर का बन गया। ठीक है, तो ये था बेटा कंसेप्ट आज के लिए। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आशा करता हूँ कि जो चीजें आपको बताई जा रही है, जितनी तन्मयता से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ,
आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे भी अपने घरों में खूब मेहनत करेंगे, टाइम पास नहीं करना है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। ठीक है बेटा, बी पॉजिटिव, गॉड ब्लेस।